हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म देखो जैसे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है व्हाट इज आइसोमेरिज्म टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिन इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म इसका मतलब क्या है टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन है कि जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल अस सपोज वी हैव दीज टू कंपाउंड्स। नो लेट सी देर फार्मूला कार्बन टू है, टोटल कार्बन टू है, एच टोटल सिक्स है, ओ

वन प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए कंपाउंड्स का और उनकी एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए द प्रॉपर्टी में भी फिजिकल में भी केमिकल या दोनों भी हो सकती हैं ऐसे कंपाउंड्स को आइसोम बोलते हैं एंड दिस फिनोमिन इज कॉल्ड आइसोमैरिज्म अब देखो ये दो कंपाउंडस हैं इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बट इनकी प्रॉपर्टीज को अब हम देखें ये जो है इट्स अल्कोहल इथानोल है ये इथाइल अल्कोहल है ये क्या है डाइमिथाइल इथर, दिस इज इथर ये अल्कोहल है ये इथर है डाइमिथाइल इथर है और ये इथाइल अल्कोहल है यूपीएक नेम इथानोल है अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इथानोल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड डाईमिथाईलीथर इज गैशियस एट रूम टेम्परेचर सो so, एक प्रॉपर्टी तो यही डिफरेंट होगी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और भी इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी डिफरेंट होती हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रिएक्शन है व्हेन वी रिएक्ट इथानोल विद एच आई एच आई के साथ जब हम इथानोल को रिएक्ट करते हैं द प्रोडक्ट इज इथाइल आयोडाइड प्रोडक्ट बनता है एंड वैन वी रिएक्ट ईथर डाई मिथाइल विद एच आई प्रोडक्ट इज मिथाइल आयोडाइड अगैन डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गया फिजिकल में डिफरेंस था और प्रॉपर्टीज में हम डिफरेंस देख सकते हैं वैन इट इज़ ट्रीटेड विथ सोडियम वैन इथानोल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोजन इज लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड वैन डाई मिथाइल इथर इज ट्रीटेड विथ सोडियम नो रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं होता नाउ द कंडीशन इज जस्टिफाइड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आइसोमैरिजम टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ सच कंपाउंड आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनिना इज नोन एज आइसोमैरिजम सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिन इज नोन एज आइसोमैरिजम नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लासीफिकेशन ऑफ आइसोमैरिजम आइसोमैरिज्म कितने टाइप्स की हैं या हम ये भी बोल सकते हैं कि आइसोमर्स कितने टाइप्स के हैं आइसोमर्स की क्लासीफिकेशन सो हेयर वी विल राइट क्लासीफिकेशन ऑफ आइसोमर्स और वी कैन से आइसोमैरिजम आइसोमर्स टू टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं स्ट्रक्चुरल

एटम कनेक्टिविटी शुड बी डिफरेंट एग्जाम्पल इसकी लेंगे और क्लियर हो जाएगा सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला, बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट वी विल सी नाउ स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला, बट देयर स्पेशियल अरेजमेंट इज डिफरेंट स्पेशियल अरेजमेंट इज डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट से क्या मतलब है ये चीज़ आगे आएगी बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेस में थ्री डायमेंशन में इनका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सो फर्स्ट वी विल स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है इसको याद रखने का एक शॉर्टकट भी है इसको ऐसे याद रख सकते हैं सी पी एम टी में फर्स्ट सी पी एम टी में फर्स्ट इनसे कैसे नाम आते हैं सी फॉर चेन आइसोमर्स दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चेन आइसोमर्स देन पुजिशन आइसोमर्स एम से होता है मेटामर्स ये भी पढ़ेंगे क्या है

Isomers. so first of all we will study chain isomers. So our this topic is now chain isomers. ना so what are chain isomers? Isomers की कंडीशन तो वही है आइसोमर्स क्या है विच हैव सेम वॉलिकुलर फॉर्मूला आगे ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की टाइप है तो नेचुरली स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा अब आगे स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंस है जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है चेन में डिफरेंस होगा टू और मोर कम्पाउंडस हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन दीज आर नोन एज चेन आइसोमर्स एग्जाम्पल लेके समझ आएगा अभी करते हैं टू और मोर कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी या तो पेरेंट चेन डिफरेंट होगी या उनकी साइड चेन डिफरेंट होगी लेट सी एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं लेटर सपोज वी हैव

अब ये मैंने एक और कंपाउंड बनाया है पहले हम इसका फॉर्मूला चेक करते हैं कार्बन फोर है एच कितने हैं एच है टेन है तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है इसमें पेरेंट चेन फोर कार्बन की है इसमें पेरेंट चेन तीन कार्बन की है अब इसकी नंबरिंग करें तो जैसे आई यू पी नॉमन क्लेचर होता है कैसे इसकी नंबरिंग कर सकते हो आप दिस कार्बन इज़ वन टू थ्री इस केस में चाहे इधर से भी कर लो इसको टू ही मिलेगा तो कंपाउंड का नाम क्या आया टू मिथाइल प्रोपेन टू मिथाइल प्रोपेन और इसका एक नाम भी होता है आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन अब ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट पेरेंट चेन का जो साइज है इस केस में पेरेंट चेन इज ऑफ फोर कार्बन इस केस में पेरेंट चेन इज ऑफ थ्री कार्बन इट मीन्स दिस बोथ कंपाउंड आर चेन आइसोमर्स, इन रिलेशन किसका है दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ फीचर द अगेन चेन आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है टू और मोर कंपाउंड्स इसमें तो टू ही बन रहे हैं कई केसेस में टू से ज़्यादा भी बनते हैं टू और मोर कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी या तो पेरेंट चेन डिफरेंट साइज़ की होगी या उनकी साइड चेन डिफरेंट साइज़ की होगी ऐसे कम्पाउंडस को आपस में चेन आइसोमर्स बोलते हैं एंड फॉर एग्ज़ाम्पल दिस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले हम इसको डिस्कस करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं अब लेटा सपोज कि वी हैव फर्स्ट एल्केन मिथेन अब देखो इसका कोई आइसोमर बनेगा नहीं इसका ये तो एक ही कार्बन है अब दो कार्बन लो बाकी एच हैं इसका कोई आइसोमर बनेगा यही है इसकी कोई ब्रांचिंग भी नहीं हो सकती पेरेंट चेन भी यही है अब ये तीन कार्बन है इसका कुछ होगा आप कहोगे जी ऐसे बना लो ये और ये दोनों कंपाउंड सेम है ये चेन और ये चेन पड़ा हुआ है जो चेन होती है मतलब वो मैक्सिमम जो पेरेंट चेन है यहाँ पे भी तीन की है ये भी चेन ही है पेरेंट चेन यहाँ पे भी तीन कार्बन की है यहाँ ब्रांचिंग का मतलब क्या है ब्रांचिंग अब ये देखो ऐसे है कि जैसे हमने ऊपर किया फोर कार्बन की थी यहाँ पे ऐसे ब्रांच लग गई अब टर्मिनल पे ही लगा दोगे तो वो तो चेन का ही पार्ट बन जाएगा इट मीन्स एल्केन के केस में मिनिमम फोर कार्बन शुड बी देयर टू शो चेन आइसोमेरिज्म सो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ एल्केन्स, इन केस ऑफ एल्केन्स, मिनिमम फोर कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू शो आइसोमैरिजम मिनिमम फोर कार्बन्स होने चाहिए टू शो आइसोमैरिजम और एग्जाम्पल्स और डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो लेटर सपोज कि फाइव कार्बन की हम डिस्कशन कर रहे हैं ये प्रैक्टिस से ही बनते हैं आइसोमर्स का कोई ऐसे सच फॉर्मूला नहीं है कि जो हमें पता चल सके कि कितने आइसोमर्स बनेंगे हिट एंड ट्रायल से ही आइसोमर्स बनते हैं जब भी आइसोमर्स बनाने हैं उनके आई पी एक्क नेम लिख के देख लेने हैं ताकि आइसोमर्स रिपीट ना हो कंपाउंड रिपीट ना हो वो नेम से पता चल जाता है अब यहाँ पे देखो बाकी एच लगेंगे तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया सी फाइव एच काउंट करो एच ट्वेल्व होंगे काउंट करके देख सकते हो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अब इसका कोई आइसोमर बन रहा है ब्रांचिंग पॉसिबल है फोर कार्बन रख लिए यहाँ पे ब्रांच लगा दी पहले केस में जो पेरेंट चेन थी फाइव कार्बन की थी अब इसकी नेमिंग करते हैं वन टू थ्री फोर पेरेंट चेन का साइज हो गया फोर कार्बन मोलिकुलर फार्मूला टोटल सेम ही है मोलिकुलर फार्मूला में सारे कार्बन देखने हैं सी फाइव एच ट्वेल्व यू कैन चेक मोलिकुलर फार्मूला इज सेम बट पेरेंट चेन लेंथ इज डिफरेंट सो इसका नाम भी लिख लो टू मिथाइल ब्यूटेन आई यू पी एक् नेम्स है टू मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है एन ब्यूटेन लगा सकते हो जब स्टेट होती है तो एन एन मीन्स कोई ब्रांचिंग नहीं है और इसका कोई आइसोमर बन रहा है अब ये देखो इसमें भी टोटल कार्बन फाइव ही है सी फाइव एच ट्वेल्व भी फार्मूला है बट पेरेंट चेन साइज इज ऑफ थ्री कार्बन वॉट विल बी इट्स नेम इट्स नेम इज वन टू थ्री दिस इज नंबरिंग सो नेम इज़ आई यू पी एक नेम आई एम राइटिंग टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन टू डायमिथाई प्रोपेन सो दीज आर थ्री आइसोमर्स विद दिस फॉर्मूला डेफिनेशन सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन साइज शुड भी डिफरेंट और साइड चेन साइज शुड भी डिफरेंट सो इन कंपाउंड का आपस में रिलेशनशिप क्या है दे आर सी आई ऑफ ईच अदर सी आई मीन्स चेन आइसोम और डिफरेंट एग्जाम्पल्स वी कैन टेक लाइक सपोज आई टेक साइक्ली कंपाउंड नाउ चेक फर्स्ट विल चेक द मोलिकुलर फॉर्मूलाज इन दिस केस हाउ मैनी कार्बन सी सिक्स एच काउंट करो हर एक पे टू लगेंगे सी सिक्स एच पेल अब इस केस से मॉलिकुलो फार्मूला फाइव की तो रिंग ही है एक यहाँ पे कार्बन आ गया सी सिक्स अब इसमें चेक करो टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टोटल फार्मूलाइज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट इस केस में अब पेरेंट चेन इस केस में रिंग है कितने साइज की रिंग है सिक्स कार्बन अब इस केस में जो आपकी पेरेंट चेन है ये अब रिंग पेरेंट चेन है फाइव कार्बन सो कंडीशन फुलफिल हो रही है मॉलिकुलर इज सेम बट पेरेंट चेन साइज और साइड चेन साइज इस केस में पेरेंट चेन साइज इज डिफरेंट मोर एग्जाम्पल्स लेट सी अनदर वन लेट आज सपोज वी हैव दिस एंड ये ले लो और फार्मूला देखो ये तो सेम ही रख लिया हमने सी सिक्स एच ट्वेल्व अब इधर तीन की आपकी रिंग है सी सिक्स तीन ये कार्बन रहे टोटल यू कैन चेक इज सेम बट पेरेंट चेन हेयर इज ऑफ सिक्स कार्बन पेरेंट चेन हेयर इज ऑफ थ्री कार्बन सेम मोलिकुलर फार्मूला बट पेरेंट चेन साइज इज डिफरेंट

छः यहाँ पे आगे सात आठ एंड ये आपका आएगा यू कैन चेक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन मोलिकुलर फॉर्मलाइज सेम पेरेंट चेन रिंग सिक्स कार्बन की है यहाँ पे भी सिक्स कार्बन की है नो साइड चेन साइड चेन बेटा इस केस में यू हैव साइड चेन ऑफ टू कार्बन टू कार्बन की साइड चेन है अब यहाँ पे ये साइड चेन डिफरेंट है वन वन कार्बन की है अलग अलग है सो साइड चेन यहाँ पे डिफरेंट है सो यू कैन राइट डाउन साइड चेन इज डिफरेंट नेम क्या होंगे इसका नेम क्या है फर्स्ट का कौन सी साइड चेन लगी हुई है इथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन इन दिस केस वन वन डाइमिथाइल साइक्लो पेरेंट चेन इज़ सेम साइड चेन इज डिफरेंट सो अगैन दे आर सी आई ऑफ इच अदर रिलेशनशिप इज चेन आइसोमर्स दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ इच अदर नेक्स्ट एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप की लेरियो में एक पॉइंट नोट करना है कि चेन आइसोमर्स जो भी होंगे चेन आइसोमर्स में हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं ऐसा नहीं है कि एक फंक्शनल ग्रुप आपने एल्डिहाइड ले लिया और एक फंक्शनल ग्रुप आपने एसिड ले लिया देन वो डिफरेंट आइसोमर्स होंगे वो हम स्टडी करेंगे दे विल कम अंडर फंक्शनल आइसोमर्स सो यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं इन चेन आइसोमर्स इन चेन आइसोमर्स नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स मल्टीपल बॉन्ड्स नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्सिच्वेंट्स शुड बी सेम नेचर का मेन यही है कि आपने एक एल्डिहाइड लिया तो दूसरा भी एल्डिहाइड ही लेना है सब्सिटुन जैसे एक क्लोरो है तो दूसरे आइसोमर में भी क्लोरो ही है और कोई सब्सीच नहीं बना देना तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल से और क्लियर हो रहा है ये देखो जैसे ये कंपाउंड है अब इनका टोटल मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड यू कैन चेक सिक्स कार्बन है एच काउंट करके देख सकते हो मॉलिकुलर फॉर्मुला दोनों का सेम है पेरेंट चेन साइज यहाँ पे वी हैव पेरेंट चेन ऑफ फोर कार्बन यहाँ पे वी हैव पेरेंट चेन ऑफ थ्री कार्बन सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट साइज ऑफ पेरेंट चेन इज डिफरेंट सो दे आर सी आई ऑफ ईच अदर एक और पॉइंट बन जाता है तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं जहाँ से हमेशा नंबरिंग स्टार्ट होती है आई यू पी एक् नेमिंग में ये पॉइंट आता है कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब है कि नंबरिंग आपको हमेशा वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी तो द पॉइंट इज कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स में सी आई इज पॉसिबल So, what is the point? In chain terminating functional groups, in chain terminating functional groups, CI is possible. Chain isomerism. पॉसिबल होती है किन केसेस में चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स में जैसे एग्जाम्पल ले ली हमने मॉलिकुलर इज सेम बट पेरेंट चेन साइज इज डिफरेंट अगैन मॉलिकुलर फॉर्मुला की और डिफरेंट एग्जाम्पल चेन टर्मिनेटिंग की और कोई ले लो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है सेम पैटर्न से पेरेंट चेन साइज इज ऑफ फोर कार्बन हेयर पेरेंट चेन साइज इज ऑफ थ्री कार्बन मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम दस दे आर सी आई ऑफ ईच अदर कार्बोक्सिल एसिड इज ऑल्सो चेंड टर्मिनेटिंग नाइट राइल विच आर कॉमनली नोन हैोर कार्बन हेयर पेरेंट चेंज साइज इज ऑफ थ्री कार्बन एंड अदर चेंड टर्मिनेटिंग यू हैव अमाइट्स सेम पैटर्न पे amides can also show ci here parent chain size is of 4 carbon here parent chain size is of 3 carbons so in such way we have discussed lot of examples of ci now we will do few questions related to chain isomerism let's see our first question is विच कंपाउंड इज नॉट द आइसोमर ऑफ टू इथाइल टू मिथाइल पेंटेन हेयर आर द ऑप्शंस नॉट द आइसोमर नो वॉट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ आइसोमेरिज्म बेसिक कंडीशन ऑफ आइसोमेरिज्म इज मॉलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ इट स्ट्रक्चर थ्री इथाइल टू मिथाइल पेंटेन सो फर्स्ट पेरेंट चेन फाइव कार्बन की जैसे पेंटेन लिखा हुआ है थ्री फोर फाइव थ्री पे इथाइल है टू पे मिथाइल है जिधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो अस सपोज कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया टू पे मिथाइल है थ्री पे क्या लगा हुआ है इथाइल है सो so, ये आपका बन गया सो मॉलिक्यूलर फॉर्मला टोटल देख लें फाइव की आपकी चेन आ गई सिक्स सेवन एट एट कार्बन है बाकी अच्छ चेक कर लो तीन सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये मॉलिकुलर फॉर्मूला बनेगा नॉ वी कैन चेक कि किस केस में ये चीज़ नहीं है उसने क्या पूछा है विच कंपाउंड इज नॉट द आइसोमर यू कैन इजीली चेक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कार्बन है तो एच चेक कर सकते हो यही फार्मूला है यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो है इसमें कार्बन स्केल्टन ही सिक्स कार्बन का है एट कार्बन ही नहीं हो रहे तो यही ऑप्शन बैठेगी फॉर्मूला इसमें सेम नहीं है बाकी सब में एट कार्बन का स्केल्टन ही है एच ऑटोमेटिकली सेम ही आ जाएंगे क्योंकि एल्केन की बात हो रही है डबल बॉन्ड है नहीं तो एल्केन है तो फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू से भी आप लोग देख सकते हो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंडस देखने के लिए उसने स्ट्रक्चर बनाई दिया अब ये देखो इसमें पेरेंट चेन वन टू थ्री फोर फाइव फाइव की पेरेंट चेन है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारा मैंने जैसे आपको बताया था ये चेन का ही हिस्सा है यहाँ पे बस उसको ऐसे करके उसने बैंड कर दिया और कुछ नहीं है इसको सीधा भी कर देता था ब्रांचिंग तब मानी जाती है बीच में से कहीं हो टोटल कार्बन सिक्स है इधर भी सिक्स है मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है बट पेरेंट चेन साइज डिफरेंट है पेरेंट चेन फाइव कार्बन की है यहाँ पे पेरेंट चेन सिक्स कार्बन की है सो दे विल भी चेन आइसोमस ऑफ ईच अदर ये बाकी हैं ये हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म पोजिशन ये सारी आइडेंटिकल बेटा उसे बोलते हैं कि जिनमें सब कुछ ही सेम है मोलिकुलर फॉर्मुला भी सेम है स्ट्रक्चर भी सेम है सारी प्रॉपर्टी सेम है वो आइडेंटिकल होते हैं आइसोमस में एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए सो नेक्स्ट वी विल कॉन्टिन्यू द नेक्स्ट वीडियो पोजिशन आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे सो थैंक यू सो मच